ओम शांति। 28 मई 2021 की मुरली से शिववाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न: रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर: मन मना भाव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार: नंबर 1, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। नंबर 2, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान: अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का यानी आवागमन का चक्र लगता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, उस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। स्लोगन: किसी भी विघन के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। और अंत में मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।